नमस्कार दिन तमाम गुरुत्वपूर्ण खबर सह प्राइम ओडिसा को स्वागत करुछु माथरे प्रथमे हेडलाइंस हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय खाना कोइसा भी हो इट टेस्ट बेस्ट ओनली विद बेस्ट ड्रॉप कुकिंग ऑयल बी श्योर इट्स प्योर। पुलिस एनकाउंटर रे कुख्यात गैंगस्टर हाइदर रो मृत्यु सिमुलिया निकटरे परिसरा जीवा को कही खसी जाउथिबा बळे पुलिस रो गुळी सुरक्षा दृष्टि रो हाइदर को चौतार रो बारीपता जेल को करा जाउथला स्थानांतर पत्नी कहले पुलिस मानितला। टोकियो चमकिले मीराबाई चानू देश को देले प्रथम पदक 49 केजी वर्गर क्लीनांट जर्क रे मीराबाई जीतिले रौप्य फोन जगे कथा होई शुभेच्छा जणाइले प्रधानमंत्री। सौम्यरंजन मृत्यु सस्पेंस रे ट्विस्ट बदलिला गजपति एसपी स्वर काली देते क्लीनचिट आज कहले तदंत चली मंतव्य देवा ठीक नुहे तदंतकारी अधिकारी और एसपी कथार तालमेल रखु उठला प्रश्न। सौम्य सन्देहजनक मृत्यु हटुने सस्पेंस पुलिस भूमिका को नहीं प्रश्न उठाइले सौम्य कहीं विद्या भारती को गिरफ्त करूनी पुलिस तदंत सर पूर्व एसपी क्लीनचिट देवा प्रश्न कले सौम्य वकिल। केन्द्रीय टंका हड़प राज्य सरकार का योजना कालिया टंका खाई किसान टंका भी खाईगले राज्य सरकार का त्रुटिपूर्ण तालिका जो 5 कोटी खाईगले अयोग्य हिताधिकारी कालिया भले पीएम किसान में भी 9000 अयोग्य हाथी टंका। राज्य में स्वास्थ्य भित्तिभूमि नहीं बरसिला बीजेपी केवल कटक रे कहीं भीमसार रे लागिबनि एकम पश्चिम ओडिशा सरकार का साबत पुओ कहिले टंकधर प्रतिवाद रे 28 रे प्रति जिला हेडक्वार्टर अगस्ट 2 रे आरडीसी ऑफिस आगे दलर आंदोलन। कागज कलम रे टॉयलेट भद्रक चांदपाली रे 191 शौचालय निर्माण होइतिबा देखाई 23 लाख चलु आरटीआई तथ्य रे महाखुलासा लोकायुक्तों पाखरे मामला वीडियो जे सरपंचों रिपोर्ट तलब। कलाहांडी धर्मगढ़ रे आदिवासी बीजेडी नेतां जुलूम वन कर्मचारी उपस्थित रे आदिवासी 40 परिवार को तड़ीदेला वन विभाग थाना अभियोग पर भी होनी कार्यानुष्ठान अन्य एक डंगर रे पालो तले नहीं आश्रय बेलेबेसे गिदेले पिचु काकटपुर रास्ता निर्माण में महादुर्नीति निर्माण 2 मास न पूर्ण रास्तार उठला पिचु विभाग अधिकारी और ठिकादार मिली भगत में निम्न मानर काम अभिचु पाने पड़ा 56 कोटी। आसवा संपूर्ण खबर को पुलिस एनकाउंटर में कुख्यात गैंगस्टर हाइदर मृत सिमुलिया निकट में परिसरा बाहन पुलिस को चकमा दे खसी उद्यम बेले पुलिस एनकाउंटर कर हाइदर शरीर विभिन्न स्थान में गुड़ी बाजिता सुरक्षा दृष्टि हाइदर को चौतार रु बारीपदा स्थानांतर कर तेज यही समय गैंगस्टर खसी उद्यम कर सिमुलिया निकट एनकाउंटर पुलिस को चकमा दे खसी जाता बेले गुड़ी ख्यात गैंगस्टर हाइदर को आज चौदार जेल रु बारीपदा निया समय पुलिस को परिसरा जीवा को कहितला हाइदर से सुरक्षाकर्मी बंदूक छड़ाई खसी जीवा को उद्यम करुवा बेले पुलिस गुड़ी चलाइला। एनकाउंटर में हाइदर गुरुतर आहत होता बेले चिकित्सा बालेश्वर मेडिकल निया हाइदर पेटरे और गोड़े गुड़ बाजि जमापड़ सुरक्षा दृष्टि चौदह रु बारीपदा निया पुलिस कमिश्नर मूल उद्देश्य थी से केमती प्रिभेन्ट हो पार एस्केप रु क्या आप जानते बहुत नोटोरियस क्रिमिनल पास रेकर्ड बहुत खराब रही एससीबी मेडिकल कॉलेज रु चकमा दे खसी जाइला तेणु जेहेतु से खसी जा खसी जावाक चेष्टा करुला बंधुक छड़ाऊ तेणु
ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏସ୍କର୍ଟ ପାର୍ଟି ତା ଉପରେ ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଏହା କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ଏସ୍କର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗାର୍ଡ ଥିଲା ତାର ଯେଉଁ ଆର୍ମସ୍କୁ ଛଡ଼ାଇବାର ଉଦ୍ୟମ କଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେଲା ତାକୁ ୱାର୍ନିଂ ଦିଆଗଲା ଆଉ ସେ ଏ ଆର୍ମସ୍ ନେଇକି ଯେବେ ଏସ୍କେପ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଆମର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାକୁ ଏସ୍କେପ୍ରୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ମେନର୍ରେ ता ऊपरे फायरिंग करी छ। तो थे वो जान के लेके गए मारने के लिए, उनको जान से मारने के लिए लेके भाग गए। कौन जान के? हमरा कुछ जानते नहीं ना, हमको खबर भी कहीं नहीं, नहीं जेल से कहाँ विदा कर दे के बस यहाँ मार दी। क्या बीमार था उसका? जो तबीयत ठीक नहीं था क्या? तबीयत उसका सब ठीक था तो लेके गई ना, हमको जानती नहीं, लेके रास्ते में मारती ना, क्या ये जान सुन के लेके जाके मार दी। रिक्शा चालक रो गैंगस्टर पलटी थिला है तो 1975 बड़कु केन्द्रापड़ा रे रिक्शा चलाउथिला हैतर 1980 बड़कु से अपराध दुनिया रे पादो देइथिला रबिन बेहरा को हत्या परे राता राती गैंगस्टर बनी जाइथिला हैतर 90 दशक रे केन्द्रापड़ा रे आतंक खलाइथिला एही दुर्दांत अपराधी प्रथमे एकुटिया क्राइम घटाइबा परे सुलेमान सहमिसे गैंग तयारी करथिला जेंडर फिक्सिंग हत्या राहचरी अपहरण करी खेलाई देतिला आतंक तबे पर समय सुलेमान सह विवाद हेबारु भुवनेश्वर सुलेमान रो भाई चुन्ना को गुली मड़ा एवं खणी व्यवसायी रश्मि रंजन महापात्र को अपहरण और हत्या मामला रे नागपुर रु गिरफ होई जेल जाइतिला हाइत जेल रे रही चले आसुतिला अपराध निकट रे कटक एसीपी रे चिकित्सित होतिबा बळे सुरक्षा कर्मी को बिरयानी देई फेरार होई जाइतिला हाइत हाइदर नारे केन्द्रापड़ा व अन्य जिले में 30 रु अधिक हत्या मामला रही। बालेश्वर सिमुलियारु प्रकाश महंती कटक रु इमरान खान भुवनेश्वर रोशन रथों रिपोर्ट ऑर्गस न्यूज। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 रे भारत को प्रथम पदक वेट लिफ्टिंग रे मीराबाई चानू भारत पाई जीति रौप्य पदक 49 kg वर्गर क्लीनांट जर्क रे मीराबाई को सफलता मिली। तांकर एही विजय सहित भारत ओलंपिक रे पदक अभियान आरंभ करिछे। तबे स्वर्ण पदक रो अल्प के बंची छथि मीराबाई चानू स्नाच इवेंट रे प्रथम प्रयास रे 84 kg ओ द्वितीय प्रयास रे 87 kg ओजन उठाइथिले, किंतु तृतीय प्रयास रे से 89 kg उठाई परे विफल होइथिले। एथि सह से द्वितीय स्थान रे रही फाइनल को उन्नीत होइथिले। क्लीनंट जर्क रे प्रथम प्रयास रे से 110 kg ओजन उठाइथिले। एही वर्ग रे चीन रो जी होई हु गोल्ड मेडल एवं इंडोनेशिया रो कांटिका आइसा ब्रोंज पदक जीति छथि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चानू को फोन जगे कथा होई तांको सफलता रे शुभेच्छा जणाइ छथि। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक्स रे इतिहास रचि छथि। रौप्य पदक जीतिबा परे सारा देश रो छुटुछि शुभेच्छार सुअ। मणिपुर राजधानी इम्फाल रे रहुथिबा मीराबाई चानू को पिला दिनरो तीरंदाज पसंद थिला एवं से एथिरे निजर करियर करबाकु चाहुथिले, किंतु अष्टम श्रेणी परे भारोत्तोलन परे प्रति से निजर आग्रह होइथिले। एहा परे से एही दिगरे आगुकु बढ़ी चालिथिले। 11 वर्ष बयस रे चानू भारोत्तोलन प्रतियोगिता रे प्रथम स्वर्ण पदक हासिल करिथिले। एहापरे विश्व एवं एशियन जूनियर चैंपियनशिप रे अंशग्रहण करी निजर अंतरराष्ट्रीय करियर आरंभ करिथिले। आजर एही विजय परे सारा देश सह मणिपुर रे उत्सवर माहौल खेली जाइछे। मीराबाई का परिवार रे मध्य पूरा आनंदर माहौल। मैं बहुत खुश हूँ, जैसे कि मेरा बहन है इसे सिल्वर मेडल मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। जो उसका सपोर्टर वो पार्टी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो जितना गया वो पार्टी को भी गोल्ड मेडल लेके इंडिया में वापस आने के लिए मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ। ऐसे खुश, बहुत खुश है सब। इतना मैं उसको मेहनत का जो फल है, जो इसलिए वो सिल्वर मेडल में है। सौम्यों संदेहजनक मृत्यु हटुनी सस्पेंस, पुलिस भूमिका को नहीं प्रश्न उठाइले सौम्यों माँ कहिले काही कि विद्या भारती को गिरफ्त करूनी पुलिस। तदंत सर पूर्व एसपी को क्लीन चिट को नहीं मध्य प्रश्न उठाई सौम्य माँ मिलमिशि पुओ को मारी से अभियोग आनी मिलमिशि मो पुओ को मारिदेले
मते न्याय दरकार सरकार को गुहारी कले सौम्यंक माँ पु को हर बाहुने बाहुने कांदुची माँ पारला खेमुंडी पुलिस तदंत को नहीं उठाई प्रश्न कही विद्याभारती कौन पाई गिरफ कलाना ही पुलिस पुलिस तदंत उपरे आ भरोसा नथिबा कहिछंती सौम्यंक माँ केमिति गोटे दिन जेरारे डीएफओ और गुरांडी थाना ओआईसी को क्लीन चिट दे पुलिस प्रश्न करिछंती सौम्यंक संपर्क एसपी मिछ कहउछंती से होची ये जातिक जहा सब कहउछन सब क्राइम ब्रांच भी मिछ कहउची ये सब मिछ कहउछन किंतु विद्या भारती के आज पर्यंत अरेस्ट करा हलानी कोन थे जाए कहना चाहिए डीएफओर जदि संप्रति या भितर ना तो ठीक अच्छे जदि पुलिस इन्वेस्टिगेशन बाहर कर डीएफओ या भितर संप्रक्त नुहे किए तो जन संप्रक्त अच्छी बाहर कराऊा बाहर तो आम अपेक्षा कराक पोड़ मार दिखाई तो सहित स्त्री प्रेजेन्ट अच्छे बेस भरोसा था गत काल क्राइम ब्रांच टीम को आधार रे गोटे दिन रे डीएफओ रोसेया एवं सेठकार से जो ओआईसी अच्छा पंडा मैडम गोटे दिन रे जरा कर गोटे दिन रे क्लीन चिट दिगला आ बाकी रहा विद्या पंडा क्लीन चिट हाँ कत लगुच को विश्वास को भरोसा पर डीएफओ को पचराउचरा करने पूर्व विद्या भारती को गिरफ्त कर रिमांड आचराउचरा कर आवश्यकता थिला एहा कहिछंती सौम्यंक वकिल पार्थ सारथी नायक किंतु पुलिस डीएफओ को क्लीन चिट दे प्रमाण नष्ट चाहूबा कही सौम्यंक वकिल सौम्यंक जमानबंदी रेकर्ड कथा को नहीं प्रश्न उठाई सौम्यंक वकिल समस्त सामने से घर खोलगला आपण मीडिया रेकर्डिंग कर घर को पुलिस रेकर्डिंग करदी से दिन 16 तारीख में घटना दिन जदि किसी पोड़ा नाला 20 तारीख रेकर्डिंग रे घर पछपट कबाट गोटे पड़ुची एवं स्काइलाइट रे लगी गोटे नेट को पड़ुची ताहले एटा एविडेंस को टेम्पर हेला ना कि बैचलर पार्टी रे कौन घटी तदंत बलांगीर में पहुंची पारला खेमुंडी पुलिस टीम कटक विश्वजीत दास बालेश्वर सिमुड़िया मनोज प्रधान रिपोर्ट अर्गस न्यूज ब्रेक परे स्वागत एसीएफएस सौम्य रंजन मृत्यु मामलें बिवाद रे गजपति एसपी तपन पटनायक एसपी को बयान रे तालमेल रहुनि गतकाली डीएफओ संग्राम बेहरा को क्लीन चिट देइतिबा एसपी 24 घंटा मध्य बदलाइछंती निजर स्वर आउ कहिछंती तदंत चली मंतव्य देवा ठीक नुहे सेपटे तदंतकारी अधिकारी ओ एसपी को कथार तालमेल रहुनुतिबा बेले बिवाद को आसी क्राइम ब्रांच रो भूमिका देखंतु आमर एही रिपोर्ट बदलुछि एसपी को स्वर एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु घटना रे गजपति एसपी तपन पटनायक यूटर्न 24 घंटा बीतला नहीं बदलिला निज बयान गतकाली डीएफओ संग्राम बेहरा को क्लीन चिट देइतबा एसपी आज कहले एबे किछि कहियबो नहीं तदंत चली मंतव्य देवा ठीक नुहे तदंत शेष होना शुणु गतकाली कौन कही खोद गजपति एसपी तपन पटनायक आज कौन कही सीडीआर आनालीसीस बर्तमान सुधा जहाँ हो सारी से डीएफओ कौन सी संप्रति विद्याभारती सहित नाला किंबातांर जी कुक मनमत कुंभ सहित कौन से प्रकार कल डिटेल्स कौन संपर्क ना तदंत बर्तमान चली तो ताहोपरे आपण वर्तमान ठू आम किसी कौन से मतामत दे पारना केस वर्तमान अंडर इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन सरला मतामत दे सौम्य रंजन मृत्यु घटना को नहीं विवाद रे गजपति एसपी तपन पटनायक गोटे पटे तदंतकारी अधिकारी गोटे कथा कहुवा बेले एसपी कथा किंतु रहुछि भिन्न उभय एसपी और आईओ कथार रहुनी तालमेल जहां एसपी को विवाद को आनी राय आसवा पूर्व कहीं राय शुणाई एसपी तपन पटनायक एसपी एपरी बयान देवा पचरे रही कि बड़ रहस्य
ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେକ୍ନିକାଲ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଦେଖୁଛୁ ବି ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଆମେ ଏଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ ହେବାର ଥିଲା ଆଜି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ ହେବାର ଥିଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ଦିନର ଘଟଣା ପଚାରିଥିଲୁ ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସାର୍ ଠିଆ ହେଇ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କର କି ଯାଞ୍ଚ ହବ କି ଯାଞ୍ଚ ଅଲରେଡି ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଅଛି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି ଦେଖା ଚାଲିଛି ଅଲରେଡି ଆପଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଶୁଣନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛି ଅଲରେଡି ଥାଏ ଅଲରେଡି କରାଯାଉଛି ସବୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କରାଯାଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସିଡିଆର୍ ମଧ୍ୟ ଆନାଲିସିସ୍ ଅଲରେଡି କରିସାରିଛୁ ସିଡିଆର୍ ଆନାଲିସିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ହୋଇସାରିଛି ସେଥିରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ ନଥିଲା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯିଏ କୁକ୍ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ବୟାନ ଓ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ ଡିଏଫ୍ଓ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ଜାଣିଗଲେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ କିଏ ଅନ୍ୟ ନମ୍ବର ଥାଇପାରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ କଥା ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଏବେ ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ମମତା ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡା ଯାହା କହିଲେ ତାକୁ କିଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ଗଜପତି ଏସ୍ପି ତପନ ପଣ୍ଡା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ମମତା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନୁହେଁ ହେଲେ ଏସ୍ପି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିଏ ସତ କିଏ ମିଛ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି ମମତା ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କାହିଁକି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅଟକାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପୋଡ଼ା ଦାଗ ରହସ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ହାତ ପୋଡ଼ା ଚିହ୍ନର ଗୁମର କ'ଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦାଗର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା ପରେ ଫଟୋରେ କିଭଳି ଆସିଲା ପୋଡ଼ା ଦାଗ ପୋଡ଼ା ଦାଗ ଜାଣିଶୁଣି କରିନାହାନ୍ତି ତ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ କାହିଁକି କଟକ ଏସ୍ସିବି ଘଟଣା ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲର ରୁମ୍ରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା କାହିଁକି 400 କିଲୋମିଟର ଦୂର କଟକ ପଠାଗଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିଶାଖପାଟଣା ନିଆଗଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ରେଫର କରି କଟକ କାହିଁକି ନିଆଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଛଅ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଚିଠି ଗୁମର ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଚିଠିର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ତିନି ଦିନ କାଳରାତ୍ରି ବୋଲି କାହିଁକି ଲେଖିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସେହି କାଳରାତ୍ରିରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସାତ ବଲାଙ୍ଗୀର ସସ୍ପେନ୍ସ ବଲାଙ୍ଗୀର କାହା ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ତାଙ୍କ ସହ କିଏ ଯାଇଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଯଦି ଇଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତାହେଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସହ ଡିଏଫ୍ଓ ବି ଦାୟୀ କି ନୁହେଁ କପ୍ତିପଦାରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକଙ୍କ ସହ ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ଖବର ଅଭିଯାନ ସବୁ ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ନାବାଳିକାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଟ୍ ଓ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ପୋଲିସ କୋଲକାତାର ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲା ଜାନକୀ ନଗରପଡ଼ାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିଛି ପୋଲିସ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋଲକାତାର ଶେଖ ମିଲନ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ଚାନ୍ଦୋଳ ଗାଁର ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇଥିଲା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଟ୍ କରି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପାକିସ୍ତାନର ତୁର୍କୀ ସାଉଦି ଆରବ ବାଂଲାଦେଶ ଆମେରିକା ସମେତ 14 ଦେଶରେ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିବାରୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାର ଯାହାକୁ ନେଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ନେଇ ଚାନ୍ଦୋଳ ବିଜେଡି ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ସ୍ମିତା ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ଦୀପ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମିଲନ ଓ ତାର ସାନ ଭାଇ ମୁଲାୟମଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ବନ୍ଧା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଲକାତାର ଜାନକୀ ନଗରପଡ଼ାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋଲକାତାର ଶେଖ ମିଲନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି
बाबदर अधिक सूचना पाई आम सहित सीधासख जोड़ी रही केन्द्रापड़ आम प्रतिनिधि प्रभात लेंका। प्रभात नाबालिका वीडियो चैट व अश्लील वीडियो वायरल घटना रे मुख्य अभियुक्त को गिरफ्त करा जाई छी। अधिक अपडेट कौन आसू छी देखु माधुरी जदि कह प्लस टू छात्री जी थे ना बालिका जनक निश्चित लव एक्सपोज होते तेब से ही स्थित को नहीं जत बर्तमान कह केन्द्रापड़ा पुलिस उपर साधारण जनता आस्था हर बस कारण से पीड़िता जोबले बारंबार थाना अभियोग करते सदर थाना अंचल आम अच्छा तबे से सदर थाना अंचल में आम अच्छू आप सादा चित्र आम देखा पीड़िता मध्य आदि कह आश्वस्तिकर खबर रही जो कह सदर थाना अधिकारी जी अच्छा एसपी नेतृत्व में एक टीम जे कि कोलकाता बर्तमान जे अच्छा मिलन शेख को बर्तमान गिरफ कराई तेज कह अन्य जो चारज अभियुक्त अच्छा एजावत पुलिस गिरफ करनी तेज जदि कह पुलिस सफलता गोटे थपे मुख्य अभियुक्त जदि कह मुख्य कारपेटर कहुआ से जो महिला जनक संपुक्त अच्छा पुलिस गिरफ्त करार निश्चित भाव विफल होती तबे से ताजा चित्र आम देखो बर्तमान महिला जो रही जो नाबालिका जनक रही बर्तमान से सदर थाना परिसर में पहुंची जदि कह सी आसी पुलिस डाकी तेज से जो मिलन आई मिलन को से चिन्हवाप आज निश्चित भाव मिलन गिरफ्त कर मिलन को तेज से अभियुक्त को गिरफ्त कर तेज सीधा सड़क आम कथ कौन कहे ये जो मिलन गिरफ्त कराला आपण केमिति आशावादी थिले आ पुलिस मध्य निश्चित भाव गिरफ्त करिछि आ जो चारज रही अभियुक्त माने सेमान को गिरफ्त करनी कौन प्रतिक्रिया रखे आज्ञा मु तो निर्दिष्ट समय मागी थाना रु सार मागी समय मध्य आज मैंने जितक भी अभियुक्त अच्छा चारजण जन को आज गिरफ्त करोली आमको सदर थाना डक चिन्हट कराइवाई से खुशी लगुच आशा रही कि सार आमर आकी अभियुक्त मानक गिरफ्त करेंगे तो निश्चित भाव माधुरी देखिपे जी अच्छा संपर्क भौणीर बंध अच्छा सी सब समय सदर थाना अधिकारी भेटी एसपी की भेटी बारंबार जिलापा भेटी बास्तव क्षेत्र यही खबर आम बारंबार गणमाध्यम आम चैनल अर्गस बारंबार खबर प्रसारण करे जहाँफल कि निश्चित भाव कह पुलिस गोटे प्रकार आक्शन मुड्र रही अभियुक्त जो मिलन शेख को गिरफ्त कर आमको सदर रु फोन आसला कि अभियुक्त को गिरफ्त कर आसतु चिन्हट करेंगे से मैंने कि नुहे तो मु मो भी सहित आसी क्या धरी एपर्त आम देखू किए सी आउ जन को जदि धरी फोन जाइला आउ तीन जन कि चार जन बाकी अच्छा आउ सदर थाना रे भी तपन नायक सार सी आम एविडेन्स डिलीट करते 17 तारीख दिन दीजण विरुद्ध जो एविडेन्स आम रखील मो भी फोन डिलीट करते मो भी जब आर्ग्युमेंट कला अश्लील भाषा सदा सदी करते किए आपण भौणी के अश्लील भाषा और आपण फोन रो एविडेन्स किए डिलीट करते मुख्य हूँ तपन नायक आउ तीन जन जेन्स पुलिस पूरा एडी आमको सदा सदी करते पब्लिक एडी पूरा गदा हो पड़ा 17 तारीख दिन पोस्ट अच्छा मुझे जानी कौ पोस्ट कि आईआईसी पाखे सब रोते पाखे जी आसा बोधे आईआईसी तल पोस्ट अच्छा बदल जानी तो आप शुणी पारे माधुरी किभली भाव एविडेन्स नष्ट करने जी अधिकारी जनक जे कर्मचारी जनक तपन नायक से निश्चित भाव से डिलीट कर मोबाइल रू तेज कह जो साइबर क्राइम कर पांच जन अभियुक्त को मुख्य अभियुक्त मिलन शेख को गिरफ्त करी तेज निश्चित भाव कह गोटे आश्वस्तिकर परिस्थिति निश्चित भाव कह यही खबर आम बारंबार प्रसारण करूँ जनता तेज निश्चित भाव पुलिस आक्शन मुड को आसी अभियुक्त को गिरफ्त करा जाइछि बाकी जो माने रहिछन्ते बाकी जो आसामी जो अभियुक्त माने रहिछन्ते सेमानको पुलिस गिरफ्त करिवो त ये गुटे बड़ प्रश्न आसुछि। बहुत बहुत धन्यवाद केन्द्रापड़ा राम प्रतिनिधि प्रभात लेंका हम सहित जोड़े रहिथिले। आसिया परवर्ती खबर को खाइथिले रास्ता टंका निमापड़ा रो अस्तरंग चाहे रास्तार उन्नतिकरण पई आसीथिला कोटि कोटि टंका अनुदान मात्र निर्माण रो दुई मास न पूर्ण रास्तार उठिगलानी पिचु जहाँ साधारण असंतोष देखादे रास्ता निर्माण में दुर्नीतिर गंध पारिछते स्थानीय लोके मिलीमिशी गिड़ीदे पिचु काकटपुर रास्ता निर्माण में बड़ दुर्नीति निर्माण दुई मस न पूर्ण रास्तार उठला पिचु यह पुरी जिला अस्तरंग काकटपुर नयाहट दे जा रास्तार दृश्य रास्तार नवीकरण पर 56 कोटी व्यवराद होता यहाँ रास्ता कम आरंभ भी है मात्र दुई मस न पूर्ण रास्तार अवस्था एभ हाथ में फड़ा फड़ा हो उठी जाचु रास्तार विभिन्न स्थान में बड़ बड़ गात जहाँ को नहीं साधारण असंतोष तेजुची
ଦୁର୍ନୀତିର ଅନ୍ଧାର କାଗଜ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଠି ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି ଭାରତ ସରକାର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାର ଅଫିସ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଠି ହରିଲୁଟ ଚାଲିଛି। ଏଠି ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏଠି କୋଟି କୋଟି ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଫଳରେ ଏଠି ରାସ୍ତା ନିମ୍ନର ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଏ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯାହାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାମ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ କରାଯାଉ, କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ। ଜୀବନରେ ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାମର ମାସେ ହେଇନି, କାମ ରାସ୍ତା ଉଠିଲାଣି। ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଏଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ, କାରଣ ଠିକାଦାର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅଫିସର ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପିସି ନେଇକରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ ସେ ଠିକାଦାର ଉପରେ ହେଉନାହିଁ। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର ମହା ଘୋଟାଲା, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଏପରିକି ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ଠିକାଦାରଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ କାମ ମିଳିଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କି ସେଟା ଟିକେ ଗୋଟେ ପର୍ସେଣ୍ଟ ସେଟା ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ତାର ରିପେୟାର ହବ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଏଇ ସୋମନାଥପୁରରୁ ଇଏ କଣ କହିଲେ ପାଣି ସତର ଏଇ ତା ଭିତରେ ସୋମନାଥପୁରରୁ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଜାଗା ସୋମନାଥପୁର ପାଣି ସତର ଭିତରେ ଦଶ କୋଡିଏ ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଡ୍ୟାମେଜ ଥିଲା ସେଇଟା। ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଅନୁଦାନ, ମାତ୍ର ନିମ୍ନ ମାନର କାମ କରି ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ଜିଲ୍ଲାର ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାସ୍ତା ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ମାତ୍ର ଏହା ଉପରେ କାହାରି ନଜର ପଡୁନି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେମିତି ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ଯାଞ୍ଚ କରି ବିଲ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ନା ପିସି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟି ଚୁପ୍, ନିମ୍ନ ମାନର କାମ ପାଇଁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ, ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଧରା ପଡ଼ିବେ ତ। କାକଟପୁର ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।